जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर में डिस्काउंट डालना है, मतलब डिस्काउंट की सेटिंग करनी है। अगर हम 10%, 20%, 30% या 50% तक डिस्काउंट दे रहे हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी में हम लोग दे रहे हैं या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे दे रहे हैं, तो जो बिलिंग है ना उसमें जो है ना वो डिस्काउंट अप्लाई हो जाए। जो फाइनल पे जाएगा एक बंदा जाके ऐड टू कार्ट करके, या फिर जब वो बाई करेगा तो फाइनल स्टेप पे जब जाएगा तो वो डिस्काउंट प्राइस 20% 30% जितनी भी है तो वो उसमें से कट के परसेंटेज के हिसाब से, तो बाकी जो है ना पेमेंट उसके पास आ जाएगी और उसका बिल जो है ना जनरेट हो जाएगा। तो कैसे हम लोगों ने इसकी सेटिंग करनी है, तो चंद एक स्टेप के थ्रू जो है ना हम इसको देखेंगे। अगर आपको शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करवाना हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाना है आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के बैकएंड पे, ये डिस्काउंट जो नीचे नज़र आ रहा है इस पे करना है क्लिक। अब 30% डिस्काउंट का जो है ना मैंने एक कलेक्शन जो है ना ऐड की हुई है, तमाम जो मेरी कलेक्शन है ना उस पे मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे डालना है हमने टाइटल 30% डिस्काउंट, यहाँ पे कितना दे रहे हैं हम 30%, और यहाँ से जो है ना कलेक्शन वगैरह हमने ऐड करनी होती है। मैंने सारी की सारी कलेक्शन जो है डाल दी है, मिनिमम जो है ना एक पे रुपये पे मैंने रख दिया है। यहाँ पे सेट एंड डेट भी आप कर सकते हो, तो इसको जस्ट सेव पे जो है ना क्लिक कर दोगे तो ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब एक नई मैं जो है ना बनाऊँगा, तो ये नई जो है ना यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर पे करना चाहते हैं या प्रोडक्ट पे करना चाहते हैं। पहले मैंने ऑर्डर का बनाया हुआ है, अब मैं प्रोडक्ट का बनाता हूँ। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे टैक्स हमने लिखना है कि कितने परसेंट जो है ना हम लोग ये दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने टाइप करना है 20% हम इस पे दे रहे हैं। तो ये हम लोग जो है ना टाइटल डाल देंगे डिस्काउंट, ये देखें इस तरह से जैसे ये साइड पे शो हो रहा है तो ये ऐसे जो है ना शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, फिक्स्ड अमाउंट भी आप कर सकते हो कि इतना जो है ना दे रहे हैं स्पेसिफिक कलेक्शन पे या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे। पहले मैंने कलेक्शन का किया हुआ था, कलेक्शन पे आप स्पेसिफिक पे देना चाहते हैं तो कलेक्शन पे कर देना है। अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आप लोग देना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी आपके पास आ जाएगी, तो इसकी प्रोडक्ट भी सेम इसी तरह से सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं जो है ना ये स्पेसिफिक कलेक्शन पे कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक कलेक्शन अपनी ऐड कर लेता हूँ। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो सारी की सारी जो है ना सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आप सारी कलेक्शन पे देना चाह रहे हो। अभी मैं होम अप्लायंसेस पे दे रहा हूँ, तो ये मैंने होम अप्लायंसेस जो है ना एक सेलेक्ट कर लिया। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना ये ऑल कस्टमर पे, यानी स्पेसिफिक पे देना चाहो तो वो भी दे सकते हो 20% डिस्काउंट। तो ये इसको कर देना है सेव पे क्लिक। तो अब 20% जो है ना डिस्काउंट जो है ना हम दे चुके हैं। अब गेट शेयरेबल लिंक, मतलब ये वाली लिंक हम प्रमोट करना चाहें तो प्रमोट भी कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आके इतने परसेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। अब मैंने वो लिंक कॉपी किया और आके मैंने इधर डाल दिया, तो होम अप्लायंसेस पे जो है ना ये 20% ऑफ यहाँ पे देगा। तो ये हम लोग जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, ये हम लोग ने किया क्लिक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं ऐड टू कार्ट या बाय नाउ हम लोग करें, तो ये देखें ये 30% डिस्काउंट जो है ना ये हमें दे रहा है। ये देखिए इस पे भी ये 30% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अब 1299 थी प्राइस, अब 9090 जो है ना ये उसने दे दिया, क्योंकि 30% जो है ना डिस्काउंट उसने दे दिया हुआ है। तो सेम इसी तरह से आपने भी डिस्काउंट जो है ना ऐड कर लेना है। जब डिस्काउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ईजिली जो है ना ये आ जाएगी। आप एक प्रोडक्ट को जो है ना मैं करना चाह रहा हूँ, अब इसको चेकआउट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये 30% डिस्काउंट के बाद जो है ना ये प्राइस आ जाएगी। तो आगे भी इन्फॉर्मेशन जो है ना डालनी है, ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है ना ये ऑर्डर कर देना है। मतलब अब 30% डिस्काउंट जो है ना इस पर अप्लाई हो चुका है, मतलब परसेंटेज के थ्रू जो है ना इसको हम लोग ऐड कर चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटे का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।